सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। नहीं अबे साले। तो भाई ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जैसे देख सकते हो, 5 जैसे लिखा है यहाँ पे, 512 1324 और 4720। तो स्टार्टिंग के नंबर्स को भाई इग्नोर कर देना, मैं फ़ोटो भी अटैच कर दूंगा भाई साथ में। इसमें लास्ट का जो 2 डिजिट होता है ये जैसे 20, तो ये 2020 का मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसे पता लगता है टायर का। MRF का है भाई ये, जैपर है, दिखा देता हूँ ये जैपर। अब बात करते हैं आगे वाले टायर की भाई, जो कि है रेलको का। तो 1917 आगे वाला ये रेलको का। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भाई यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो जैसे लिखा है 0011053 3918। अब लास्ट का डिजिट है 18, तो इसका 2018 का बना हुआ है, ऐसा पता चलता है। और भाई जब भी नया टायर बाय करो, हाँ ये क्रैक वगैरह ना ये इसका ध्यान रखना, बाद में तो पड़ ही जाते हैं पर उस टाइम ध्यान रखना कि क्रैक वगैरह ना पड़े हो, क्योंकि वहाँ पे जो बंदे भाई वो पुराने टायर ही टिका देंगे आप लोग को। इसलिए वहाँ पे जाके ध्यान रखना कि लेटेस्ट जैसे करंट ईयर चला है उस ईयर का, जैसे अभी 2021 चला है तो 21 का मिलता है। तो भाई जैसे मैंने सर्विस करवाई थी तो भाई 21 चला हुआ था, पर मेरे को 2020 का टायर मिल रहा था, 21 का था नहीं। तो भाई मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी और ले लिया। तो भाई वहाँ पे कुछ बंदे को ये भी पता नहीं होता कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे मतलब कैसे देखी जाती है, कहाँ पर होती है। तो भाई अब मैं बताऊँगा 3 टायर्स के बारे में जो होते हैं, हार्ड कंपाउंड टायर, सॉफ्ट कंपाउंड और मीडियम कंपाउंड। तो भाई जैसे एक कंप्यूटर बाइक है, 125 होगी, 100 cc होगी, मैं बोलूँगा 250 cc तक ना अपना हार्ड कंपाउंड टायर आते हैं कंपनी से भी, और बंदे मैक्सिमम भी वही यूज़ करते हैं। बाकी फिर मीडियम कंपाउंड आप 250 cc से अबव cc 400 तक भी बंदे यूज़ करते हैं। कोई कोई बंदे 100 जैसे 400 cc तक होते हैं अपने मीडियम कंपाउंड टायर, ठीक है। फिर आते हैं भाई सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स, वो होते लीडर क्लास बाइक्स में, जो अपने 1000 cc की होती है, ये होगी ZX10R होगी, R1 होगी, MVA कस्टा वगैरह होगी, RSV4 होगी, बथेरी बाइक्स है, H2 होगी, इनमें सब में सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स होते हैं। जैसे हार्ड कंपाउंड टायर्स होते हैं तो भाई इनका ये फ़ायदा है कि ये सस्ते टायर्स होते हैं, ठीक है, अफोर्डेबल टायर्स होते हैं, ये फ़ायदा है। और भाई मीडियम कंपाउंड जो हमारी 100 cc जैसे ये 250 cc और 400 cc के बीच में आती है, इनमें ये फ़ायदा थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट इनकी ग्रिप भाई बहुत अच्छी होती है। तो और जो भाई ये लीडर क्लास वगैरह बाइक्स पे होते हैं भाई, ये सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स होते हैं, ये बिल्कुल भाई चिपक के चलते हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं ये। और भाई ज़्यादा अगर ज़्यादा ही टायर गर्म हो जाए तो भाई इनकी रबड़ ना जल्दी ख़त्म होने लग जाती है, मतलब जल्दी निकलने लग जाती है रबड़ भी इसमें से। और सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स का फ़ायदा ये है भाई, ग्रिप बहुत अच्छी देते हैं। डिसएडवांटेज ये कि भाई महंगे बहुत है उसके टायर। बाकी भाई मीडियम कंपाउंड के टायर भाई थोड़े से हार्ड कंपाउंड से थोड़े से कॉस्टली होते हैं और सॉफ्ट कंपाउंड से थोड़े से सस्ते होते हैं। एडवांटेज ये है कि भाई क्या बोलते हैं, ग्रिप भी अच्छी होती है। क्या हुआ? चल चल अबे साले। तो भाई महंगे भी काफ़ी आते हैं वो। फिर भाई अब बात करते हैं रन की, जैसे स्लीक टायर है तो भाई वो जैसे MotoGP में 3 लैप होते हैं, तो भाई 1 time यूज ही होते हैं, वो एक बारी में ख़त्म हो जाएंगे टायर ना। तो भाई अब बात करते हैं सॉफ्ट टायर कंपाउंड की, कि मतलब कितना रेट होता है उसका। तो भाई सॉफ्ट कंपाउंड को मेरे मान सकते हो 50-55 तक के। और फिर आते हैं मीडियम टायर कंपाउंड, जो कि होते हैं भाई तुम्हारे 10-15,000 तक के, इतने से इतना सा रख सकते हो। और भाई हार्ड टायर होते हैं भाई 5-10 तक के। तो भाई मैं ये बता दूँ कितना कितना रन होता है अलग अलग टायर का, ठीक है। जैसे स्लीक टायर होते हैं भाई, स्लीक टायर काफ़ी महंगे आते हैं, तुम मतलब रख सकते हो 55-60 तक के हो सकते हैं वो, जैसे MotoGP में हम यूज़ करते हैं, ट्रैक्स के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं वो। तो उसमें क्या सीन है भाई, ग्रिप नहीं होती, जैसे ग्रिप पे चलने वो मतलब ट्रैक पे चलने के लिए होते हैं और बिल्कुल चिपक के चलते हैं बिल्कुल टायर। अब तुम्हारे टायर में भी अगर ग्रिप ना होगी ना, तब भी तुम्हारे टायर बढ़िया चलेंगे। सूखे रोड पर बात कर रहा हूँ मैं, उस पर गीले रोड पर नहीं, कच्चे में भाई ग्रिप चाहिए होती है। और बारिश उठा उठा उसको ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई अब बात करते हैं मीडियम टायर कंपाउंड की। तो भाई उन टायर्स का ये एडवांटेज ये है कि भाई ग्रिप अच्छी होती है हार्ड कंपाउंड टायर से। और भाई तो डिसएडवांटेज कह सकते हैं भाई कि सॉफ्ट कंपाउंड टायर से थोड़े सस्ते होते हैं, हार्ड कंपाउंड से थोड़े महंगे होते हैं। बाकी उनमें ये होता है टायर्स में, एक टायर भी आता है दूसरा मीडियम टायर में ही होता है, वो भी काउंट उसके
बीच वाली जो ग्रिप होती है टायर की ना वो हार्ड होती है और साइड साइड वाली सॉफ्ट होती है। वो इसलिए होती है जैसे कॉर्नरिंग वगैरह करने के लिए, साइड वाली सॉफ्ट होती है, बीच वाली हार्ड होती है। तो भाई अब जैसे यहाँ पे भाई हमारे हिमाचल में जो मैक्सिमम कच्चे रोड वगैरह होते हैं, तो भाई यहाँ के लिए मैं बोलूँगा कि हार्ड कंपाउंड टायर ही ठीक है यार। तुम 10-15 मिनट वार्म कर लो टायर को धीरे धीरे चला के, उसके बाद लीन वगैरह शुरू कर दो। बाकी भाई मीडियम कंपाउंड टायर भाई तुम हाईवेज वगैरह पे यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट कंपाउंड तो भाई हाईवे वगैरह पे यूज़ होते हैं। तो भाई अब मैं ये बता देता हूँ कितना कितना रन होता है। जो हार्ड कंपाउंड टायर होते हैं भाई उनका रन होता है 25,000 से 30,000 किलोमीटर, बंदे पे भी डिपेंड करता है बंदा किस तरह से चलाता है। अब बात करते हैं भाई मीडियम कंपाउंड टायर की, तो भाई मीडियम कंपाउंड टायर चलता है भाई रख सकते हो तुम 15,000 से 20,000 लगभग इतना सा। और सॉफ्ट कंपाउंड टायर हो गए वो भाई, अब वो भी बंदे के ऊपर डिपेंड करते हैं यार। कोई बंदे ऐसे होते हैं 3,000 ही किलोमीटर चलते हैं उनके लीडर क्लास बाइक्स में, बाकी तुम एवरेज रख सकते हो 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक के आसपास, इतना सा होता है। तो भाई मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे देखते हैं हर चीज़, पूरी वीडियो भाई ध्यान से देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जब तुम अगली बार टायर अपनी बाइक में डलवाने जाओ तो भाई इन सब चीज़ों के बारे में ना बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि वो जो बंदे होते हैं टायर मैन्युफैक्चर, वो जो टायर सेलर होते हैं भाई, वो पुराना टायर के बंदे चेपने लग जाते हैं वहाँ पे। मैं जब अपना ये रेयर वाला टायर लगवाने गया था, तो जगह का नाम नहीं बताऊँगा ऐसे ही बता देता हूँ अब, तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो मालिक था उसने, उसके पास एक लड़का काम करता था, शायद मेरी एज का होगा 19-20 साल का इतना सा ही होगा। तो उसके मालिक ने उसको बोला कि इनको ले जाओ और टायर दिखाओ, तो वो ले गया मेरे को, मैं भी गोडाउन में चल गया जैसे वहाँ पे मैंने देखा। फिर मैंने उसको बोला कि 2020 मैन्युफैक्चरिंग का टायर मिल सकता है, और उसने कहा कि भाई मेरे को नहीं पता भाई इसमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे देखते हैं, और मेरे को नहीं पता इसमें डेट, उसकी डेट होती है जो मैंने बताया डेट कैसे देखते, उसको पता ही नहीं है ये बात। मैं कहा तुझे ये नहीं पता? मैं कहा भाई मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे देखते हैं? उसने बोला कि भाई मुझे नहीं पता। मैं कहा चल मैं बताता हूँ। फिर उसको मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें। अब पता नहीं उसके मालिक ने उसको बताया नहीं होगा, उसको खुद नहीं पता होगा, तो पता ही होता है टायर सेलर को, जब इतने बंदों को उन्होंने बुद्धू बनाया तो ऑब्वियसली बातें पता ही होगा। तो उस बंदे को मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे देखते हैं, फिर जाके उसको पता लगा कि अच्छा ऐसा होता है। फिर 2020 का था जैसे मैंने बताया, अगले वाला 2018 मैन्युफैक्चरिंग का था। और तो भाई ऐसे ही कुछ है, फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना भाई, ठीक है, फिर बाय बाय।